गुना जिले में भू माफिया गुंडा विरोधी अभियान अंतर्गत बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई की गई। राधोगढ़ ब्लॉक के रुठियाई में सरकारी जमीन पर बने एक आवास को प्रशासन की टीम ने जेसीबी से धराशायी किया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी गोलू के खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिसने हाल ही में एक युवक को नग्न कर बुरी तरह से पीटा था। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार शिकंजा कस रहा है। देखिए गुना से मृदुभाषी के लिए राघवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अभी कुछ दिन पूर्व अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति के साथ निर्वस्त्र करके जली हुई लकड़ी से मारपीट की गई थी, जिसमें कि शीघ्र कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के पश्चात विधिवत जो है न्यायालय में उनको भेजा गया था। इनकी जो भी संपत्तियां हैं उनके बारे में पतारसी की गई, क्योंकि इनके रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा थे। चार चार छः छः रिकॉर्ड थे। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को प्रताड़ित करने के ही रिकॉर्ड थे। लगातार इनकी संपत्ति देखी गई, जो अवैध संपत्ति पर ये काबिज थे। इनका कल पोल्ट्री फार्म तोड़ा गया था, एक का घर तोड़ा गया था। आज इसमें जो गोलू उर्फ गोलू मुसलमान है, जिसका कि घर रुठियाई थाना चौकी के अंतर्गत आता है, उसका पूरा परीक्षण किया गया। इसमें कलेक्टर साहब श्री फ्रैंक नोबल साहब द्वारा और उनकी टीम द्वारा, वहाँ के SDM, वहाँ के तहसीलदार राघोगढ़ क्षेत्र के, उन्होंने पूरा इसका परीक्षण किया और इस तरह के जो बदमाश का घर तोड़ने के लिए पूरा परीक्षण के उपरांत नोटिस दिया, और नोटिस की समयावधि समाप्त हो जाने पर पुलिस की टीम SDOP राघोगढ़, TI राघोगढ़, TI विजयपुर, SO धरनावदा और राजस्व का पूरा अमला, वहाँ के SDM, वहाँ के तहसीलदार, सभी ने मिलकर इस जो अमानवीय कृत्य करने वाला जो ये व्यक्ति है, इसके घर को आज तोड़ा गया है, जो कि अवैध घर था, अतिक्रमण पे बना हुआ था। इस प्रकार इस तरह की जो आपराधिक कृत्य करेंगे, अमानवीय कृत्य करेंगे और ये सब करके वीडियो वायरल करेंगे, उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा आम जनता से अनुरोध है, इस तरह का कोई भी कृत्य कहीं देखें तो तत्काल सूचित करें, ताकि घटना को तुरंत रोका जा सके, घटना होने से बचाई जा सके। और असामाजिक तत्वों को, अपराधियों को चेतावनी है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई और इससे बड़ी कार्रवाई भी आने वाले समय में जारी रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।